महाशिवरात्रि पर कुंदरकी क्षेत्र के ईधन नगला में प्राचीन शिव मंदिर पर हर हर महादेव के जयघोष की गूंज शुरू हो गई। शिव भक्तों ने मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करके पूजा अर्चना की। नगला स्थित शिव मंदिर को फूलों से सजाया गया। भगवान शिव के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस मुस्तैद रही। ईधनपुर नगला के प्राचीन मंदिर और परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। सुबह 5 बजे से ही यहाँ श्रद्धालु पहुँचना शुरू हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर दूर दराज से बच्चे अपने परिवार वालों के साथ मेला देखने आते हैं। वहीं मंदिर परिसर में जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी रही। भक्त जलाभिषेक के बाद मत्था टेक रहे थे। दिन भर यहाँ भक्त गीतों का कार्यक्रम चलता रहा। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये बेहद पुराना है और यहाँ लोग दूर दूर से जल चढ़ाने आते हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ पर भारी पुलिस तैनात रही। जो सोमवार 12 तारीख को आएगा उसमें यहाँ पर मेला लगेगा और शिव भक्त आकर के जो है जल चढ़ाएंगे। कितने गाँव हो गए आते हैं? ये यहाँ कम से कम 25-30 गाँव के जो है श्रद्धालु आते हैं और आकर के जल चढ़ाते हैं। और क्या क्या होता है? शिव भक्त हरिद्वार से और ब्रिजघाट से कांवड़ लेकर आते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं यहाँ पे और अपनी जो है मनोकामना मांगते हैं। शंकर भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कब से हो रहा है ये मेला? यहाँ पे है लगभग 150 साल पहले शिवलिंग प्रकट हुए थे। फिर उसके बाद में 1939 में यहाँ के जमींदार थे जगदीश चंद जी चंदूसी के निवासी, उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। तो ये मेला उसी टाइम से लगता चला।